अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुमारा बेड एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ मीठा लेकर। और मीठे में आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी जैम बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक किलो स्ट्रॉबेरी, एक पाव चीनी, दो नींबू और थोड़ा सा सिरका। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी को काट लेंगे। आप चाहे तो मैश कर सकते हैं, लेकिन अगर हम टुकड़ों में काटेंगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा। अब हम इसको काट लेते हैं। ये जी, मैंने स्ट्रॉबेरी काट ली है। ये देखे, मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें लीमू डाल लेंगे। दो लीमू डालने हैं हमने। लीमू मैंने डाल लिए हैं, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको रैपिंग से कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद हम 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पकाएंगे। स्ट्रॉबेरी हमने जो 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखी थी, ये ले, अब पकने के लिए तैयार हो गई है। अब हम इसका जैम तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी चीनी नीचे बैठी होती है, इसको मिक्स करके आप कोशिश करें कि अगर आपके पास नॉनस्टिक का कोई बर्तन है तो वो लें, ताकि जैम आपका नीचे ना लगे बर्तन के साथ। हम अच्छी तरह से इसमें सारा डाल देते हैं। थोड़ी सी आग में तेज कर लेते हैं, ये मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा। अब हम अपना जैम चेक कर लेते हैं। ये देखें, लेकिन इसको तैयार होने में अभी 10 मिनट्स और चाहिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं अपने जैम को। अब हम इसके ऊपर डालेंगे। अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट और लगेंगे, फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम अपना जैम चेक कर लेते हैं। ये देखें नाज़रीन, जैम ये देखें परफेक्ट तैयार हो गया है। ये अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम किसी भी खाली जैम की बोतल में इसको डाल देंगे। जैम हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे जैम की किसी भी खाली बोतल में डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर ऊपर से कवर करके अच्छी तरह से आप फ्रिज में रख दें और जैसे चाहे इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।